घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। ये घटना है घासपुरे की। क्या हुआ पूरा बताओ। ये लोगों, ये बच्चे को कई साल से यहाँ की जमात के लोग भी समझा रहे, ये समझ नहीं रहा, माँ को भी मार रहा है, उसकी बीवी को भी मार रहा है, और जमात ने इसको वहाँ पंचों के हैसियत से उसको 10 साल पहले उसका निकाह किए थे जलगांव जमात ने, और उस वो बच्ची के आज माँ बाप नहीं हैं, और वो बच्ची को बहुत जुल्म करता है, पैसे कमाता नहीं है, और डायरेक्ट इनको वेश्या का धंधा करने का कहता हूँ, कुछ भी बोलता है। और नहीं हो, और ये इसका नाम इमरान, और मामू को भी गालियाँ गलौज देता है, बोलने को जाता है, उसकी माँ को भी बहुत नंगी नंगी गाली देते हैं, और बहुत कुछ, यानी पूरे मोहल्ला उससे परेशान। अब मोहल्ले के लोग इसके लिए नहीं बोल रहे उसको कुछ, क्या साला आएंगे ना हमारे घरों को आके गाली गलौज देंगे, इसके वजह से मोहल्ले के लोग पीछे हट जाते हैं और बोल रहे नहीं। अब हम जलगांव से आए ले, हमको इसकी पूरी स्टोरी मालूम है, ये इन्हें प्रेम विवाह करे ले, यानी दोनों समाज के एक ही लोग हैं, बाकी समाज ने बैठकर उनको उनका निकाह कराया था, शादी कराया था, और उसको बोला था कि देख आज तू सबसे दूर होकर माँ बाप से, दोनों के माँ बाप की मर्जी नहीं थी, फिर भी तुम दोनों प्रेम विवाह कर रहे हो, पर दोनों भी एक ही समाज के हो, तो आप लोग अच्छे से रहेंगे। तो ये बच्ची को ऐसा समझ लो कि 5 से 8 साल से बहुत तकलीफ दे रहा हो बच्ची के, हमारे को जलगांव जमात को हमेशा फ़ोन आते हैं। कौन सी जमात है आपकी? खाटिक जमात, जलगांव खाटिक जमात, कुरैशी बोलते हैं, कुरैशी है। तो आज क्या हुआ था आप यहाँ आए तो? आज मेरे को कल उसने उसकी बीवी को बहुत मारा था, और बच्चों को भी हकाल रहा था, और माँ को भी गाली गलौज दे रहा था। माँ ने और उसकी बीवी ने मुझको फ़ोन किया कि भाई तुम एक पंचे क्या सब मर गए क्या? बोले हमारे लिए क्या एक भी नहीं कोई जिंदा है। अल्ताफ भाई तुम तो इसमें पूरे पहले से स्टार्ट से साथ में हो इस केस में, तो फिर ये आके सुलझा दो ना, इसको समझा दो ना। अब इसको हम समझाने गए तो मुझे भी गाली गलौज करने लगा है, बुरा भला बोलने लगा है, तो उस पे से मुझे बोलने पे से दो एक जनों ने उसको एक दो थाप मारा है, औरत क्या औरत को भी उसने औरत को मारा, जब मैं उसको बोला तो मेरे को भी कुछ भी बोलने लगा, तो उस पे से दो एक इसके मामू को वो लगा, तो उसके मामू ने उसको एक थाप मारा, और वो मामू को कहता तेरे आतड़ा बाहर निकाल डालूंगा, अब तू बचने का नहीं बेटा, तेरा क्या करता मैं कुछ देख ले। बोले शिकायत कर दी आपने? हमने पुलिस स्टेशन में शिकायत कर ली, उसकी अम्मी ने भी पहले भी शिकायत चार चार बार, उसकी बीवी ने भी शिकायत कर ली, ये इसकी बीवी ने उसको ये निवेदन दिया था पुलिस स्टेशन में, वो भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई सही हुई नहीं सही ढंग से, ये उसका उसी का सिक्का है। ठीक, क्या हुआ था अच्छा बताइए, कहाँ के रहने वाले आप लोग? मैं घासपुरा नई मस्जिद मराठी स्कूल के पीछे रहने वाले हूँ, और बार बार इनको समझाइश दे रहे हैं हम कि भाई इसकी बीवी को मत मारें, आप रहो डेली, माँ को मत गाली दे, माँ को भी गाली, रात में 2 बजे 1 बजे आता है, इनको रात रात भर सोने नहीं देता है, जवान बच्ची को नंगी नंगी गाली बकता है, औरत को घर से बाहर निकाल देता है, और क्या कहते जवान औरत को बाहर निकल जाता है, वो बोलता है कि तू बाहर निकल के 10 साल के लिए चले जा, मेरे को तल्लाक दे दे, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता। और आज के दौर में सर उसकी बच्ची का ना माँ है ना बाप है ना भाई है ना कोई है, कोई नहीं उसका दुनिया में, सिर्फ समाज के सिवा कोई नहीं उसका, कोई नहीं है सर, और आए दिन वो झगड़े लोग आए सर। और हमारी विनती है, हमने TI साहब से भी शिकायत की है, हमने थाने में भी चार चार बार रिपोर्ट करी है, तो पुलिस यानी कोतवाली से हमको ये टाल दिया गया है कि आप जाइए, वो हम नशे में उसको नहीं ला सकते हैं, भाई नशे का इंसान अच्छा नहीं रहता है। हम बार बार विनती कर रहे हैं, हमको TI साहब ने बोला है कि भाई तुम आप बोले TI साहब ने बोला था, बोले आपको जिस दिन होश में आ जाए तो हमको फ़ोन कर देना, हम यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आज भी क्या मारपीट करा क्या? आज क्या हुआ? आज सर उसने समझा रहे थे और बीवी को मारा उसने, और उसकी बीवी का भी स्टेटमेंट यही है सर, उसकी बीवी भी बयान देना चाहती सर। अभी शिकायत कर दी, अभी आपने शिकायत भी कर दिया है, वो बोले आप जाएंगे।
नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के